खबरों की पड़ताल मैं आपके साथ में हूं काजल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बालाघाट जिले के महाराष्ट्र और एमपी के बीच जो सीमा है, महाराष्ट्र से लोग एमपी में आ रहे हैं। कोरोना को संक्रमित जो लोग हैं डल के कारण यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हो लोग, और उनको यहाँ पे चेक भी किया जा सकता है, चेक भी कर रहे हैं डॉक्टर लोग, उनकी पूरी टीम है यहाँ पर। जैसे अभी हैदराबाद से कोई, नागपुर से कोई, पूना से कोई, मुंबई से अपनी सीमा में आ रहे हैं। तो मोर बॉर्डर एक ऐसा बॉर्डर है जहाँ पे पुलिस प्रशासन अलर्ट है, डॉक्टर की टीम भी लगी हुई है, उनको चेक भी किया जा रहा है, उसके बाद यहाँ से छोड़ा भी जा रहा है। पर शासन का एक अच्छा वो है कि इनको खाना खिलाया जाता है, मतलब सेफ रखा जाता है, उनको सोने की भी व्यवस्था है। अभी तो फिलहाल ऐसा हो रहा है कि जो बाहर गांव से लोग आ रहे हैं उनको यहाँ पे बॉर्डर पे ही खाना दिया जा रहा है, पीने की भी व्यवस्था है, पानी की भी व्यवस्था है, मतलब उनको एक घर जैसी फैसिलिटी दी जा रही है। जिसके चलते बहुत सारे लोगों की ऐसी भी कंप्लेंट आई कि सर हमको खाना अच्छा नहीं मिल रहा है। पर यह शासन जितना अच्छा हो सके उनके लिए उतना अच्छा कर रही है। अरे बालाघाट जिले की जो जनता है, भारत न्यूज़ के द्वारा मैं एक निवेदन करूंगा कि वो घर में रहे, घर के बाहर ना निकले। बालाघाट से दुर्गा प्रसाद बर्वे। बालाघाट जिले का मेवाड़ बॉर्डर कोरोना वायरस के कारण हाई अलर्ट पर। कुछ संदिग्ध डॉक्टरों की निगरानी में महाराष्ट्र सीमा में लगे हुए एमपी की सीमा की एक गांव ऐसा भी है जहां से महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को मेवाड़ गांव से गुजरते हुए मध्य प्रदेश की सीमा में आना पड़ता है। कोरोना वायरस ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। आज हमने न्यूज़ के माध्यम से मेवाड़ बॉर्डर पर जाकर जाँच पड़ताल की, जहाँ मध्य प्रदेश बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन का तगड़ा बंदोबस्त चेकिंग के ये लगा हुआ है। बाहर गांव अन्य शहरों से आने वाले लोगों को बॉर्डर पर रुक रुक कर चेक करके साथ ही साथ खाना खिलाकर बस में बिठाकर उनके गांव को छोड़ा जाता था। लेकिन आज से एसडीएम साहब के आदेश अनुसार जो बाहर गांव या अन्य शहरों से जो लोग आ रहे हैं उन्हें अब बॉर्डर से उनके गांव नहीं छोड़ा जाएगा। अब उन लोगों को स्कूल में रख कर आइसोलेट किया जाएगा। महाराष्ट्र क्यों चौधरी सबसे ज्यादा भीड़ यही लग रही है। बैंक में इसी तरह का बैंक को ये नहीं, मैं तो लगे देखा अभी यहाँ लगी थी, अभी हम आ रहे थे तो फॉरवर्ड वाली सोसाइटी में लगी हुई है। और एक मीटिंग कर लेते हैं, कुछ ना कुछ गेहूँ चावल सब दे दें, जो भी एक इसका डाल लेना। हाँ 48 आवर मतलब चल पड़ी तो 72 घंटे ठीक है। तीन दिन क्या नाइट चल रही है, सिस्टम एकदम क्रिएट करो जीव साहब के चलते हुए। सर महाराष्ट्र से एमपी में लोग आ रहे हैं और अपने पास अभी क्या सुविधा अवेलेबल है? महाराष्ट्र से एमपी में जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे हमारा चेक पोस्ट लगा है, थाना खेरला जी क्षेत्र अंतर्गत मोड़ पे अंतर्राज्यीय नाका लगा हुआ है। वहाँ पे जो लोग महाराष्ट्र से नागपुर से आते हैं उनको वहाँ पे स्वास्थ्य टीम लगी हुई है, वो उनको चेक करते हैं पूरा। उसके बाद मोड़ हाई स्कूल और मिडिल स्कूल और कीनी में हॉस्टल में इनका क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, वहाँ पर इनको रखा जाता है, उनको खाना पीना सारी सुविधाएँ दी जा रही हैं। और फिर डॉक्टर साहब चेक करते हैं, यदि कोई ठीक हो जाता है तो फिर उसको घर तक बसे छुड़वाया जाता है। तो इनको सर अब जैसे बाहर के जो पेशेंट है मतलब अब उनको बोला भी नहीं जा सकता कि कौन कोरोना से एक्टिव है या नहीं एक्टिव है, फिर भी उनको अपन कितने दिन यहाँ रख सकते हैं? हम 14 दिन और ज़रूरत पड़ेगी 15-20 दिन भी रख सकते हैं, जैसी जिसकी ज़रूरत है। यदि वो ज़्यादा बीमार है तो फिर उसको शिफ्ट करेंगे जबलपुर या तो, बालाघाट शिफ्ट करेंगे उसको। ओके तो खैलान जी की जनता को क्या संदेश सर? आपको खैलान जी की जनता बहुत चाहती है मुझे ऐसा सुनने में मिला है, तो फिर भी आप खैलान जी की जनता को क्या संदेश दूंगे? आप एक TI हो, थाना प्रभारी हो, तो मैं आपसे पूछना चाहते हैं सर। खैरला जी के क्षेत्रवासियों से मैं यही अपील करता हूँ कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहें, यदि आवश्यकता और मजबूरी हो बाहर निकलने की तभी वो निकले, और बाकी समय अपने घर पे रहें। और सर्दी खांसी होने पर मास्क वगैरह ये लगाएं और अपना इलाज कराएं।
सर, कोरोना के संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? अब जैसा कि सभी देख रहे हैं, कोरोना एक न्यू वायरस वायरल बीमारी है जो फैल रही है, जस्ट लाइक फ्लू है। इसके भी लक्षण वही हैं, सर्द बुखार, सर्दी खांसी और साथ में सांस लेने में तकलीफ। और देख ही रहे कि ये अब राष्ट्रव्यापी नहीं, विश्वव्यापी समस्या बनी हुई है। सर, महाराष्ट्र से बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं एमपी में, तो उनके लिए क्या सुविधा है आपके नज़र के हिसाब से? देखिए, जैसे अपन आप देखेंगे यहाँ पे मोहाड़ अपना बॉर्डर वाला हिस्सा होता है ना, सीमावर्ती मोहाड़ अपनी सीमा पर स्थित है, तो हम चेक पोस्ट पे ड्यूटी लगाई हुई है, जैसे पुलिस स्टाफ की लगी हुई है, उसी के साथ में हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी की ड्यूटी लगी हुई है कि जो भी व्यक्ति उधर से इधर आता है या इधर से जाता है तो उसका स्वास्थ्य परीक्षण होता है, प्लस उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। और अभी पिछले दो दिनों से जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं उनको यहीं के यहीं हम क्वारंटाइन कर रहे हैं, मतलब यहीं रुकवा रहे हैं। मतलब सर, अभी किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा अभी के लिए? तो ये प्रोसेस अब स्टार्ट हुआ है कि जो भी नया आएगा उसे यहाँ ठहराया जाएगा, क्वारंटाइन किया जाएगा, प्लस उसका एक दो तीन जब तक भी पॉसिबल वो होगा उसका असेसमेंट करते हुए उसके बाद ही उसको यहाँ से आगे जाने दिया जाएगा। और कुछ बोलना चाहेंगे सर आप, मतलब लोगों को क्या संदेश दूंगे? अपील ये है कि जैसा सभी को हम बार बार अपील हो रही है स्वास्थ्य विभाग से, पुलिस विभाग से, प्लस सरकार की तरफ से भी, कि भाई ये बीमारी ऐसी है जो संपर्क में आने से फैलती है, संक्रामक डिजीज़, तो इसमें है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, दूरी बना के रखें। अगर कोई भी बाहर से, खासतौर से बाहर से आए हुए लोग, और अब तो गाँव के जो मूल जो कहीं बाहर से नहीं आए यहीं रहने वाले, उन सबसे भी है कि भाई लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करें, अपने घरों में रहें, कम से कम बाहर निकलें और सभी को सहयोग करें। सर, अभी भी ऐसा चर्चे में आया है कि और लॉकडाउन बढ़ने वाला है, जैसे कहीं बाहर कहीं लोग फंसे हुए हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमको अपने गांव आना है, वो क्या करेंगे सर? अब देखिए, लॉकडाउन के बढ़ने के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मुझे। ओके, थैंक यू। सर, आप सरप मोहाड़ के सरपंच हो? जी, ठीक है, ग्राम पंचायत जी। तो अभी बहुत सारे लोग महाराष्ट्र से एमपी में आ रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? जैसे कि 22 तारीख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत में लॉकडाउन जो करवाए, जिससे हमारे बालाघाट जिले के किरनापुर, बैयर, मलाजखंड, खाली टेकरी के लोग जो बड़े बड़े महानगरों में जैसे कि नागपुर, गोवा, हैदराबाद ऐसे सिटियों से वापस आ रहे हैं, जिनके लिए हमारे नाका पर उनको खाना की व्यवस्था किया जा रहा है हमारे ग्राम पंचायत की ओर से शासन का आदेश के अनुसार, और हम सभी लोगों को खाना खिला रहे हैं। सभी को अभी जैसा 23 से 29 तारीख तक बस की व्यवस्था शासन की ओर से किया गया था, जिससे यात्री को बालाघाट छोड़ के दिया जा रहा था। अभी 6 से 10 तारीख हो गए, जिससे अभी कलेक्टर साहब के आदेश के अनुसार, एडीएम साहब के आदेश के अनुसार हमने अभी बाकी यात्रियों को हाई स्कूल एवं मिडिल स्कूल में रुकने की व्यवस्था करवाया है, और अभी ये लोग कुछ लोग रुके हुए हैं यहाँ, मिनिमम 20 से 25 लोग रुके हुए हैं जिनको खाना खिलाया जा रहा है रोज़ाना। सरपंच साहब, और एक मतलब एक घोषणा हुई थी, अब घोषणा मुझे तो पता नहीं है, घोषणा हुई थी कि जो सैनिटाइजर और मास्क के लिए 30-30 हज़ार रुपये पंचायत को दिया जाएगा। जी, वो तो बात तो सही है कि घोषणा हुई थी मास्क और सैनिटाइजर, हम सैनिटाइजर का छिड़काव कर चुके हैं और सैनिटाइजर भी बांटे हैं, मास्क तो नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ व्यवस्था जो ऐसी बनी, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे महत्वपूर्ण खाना की व्यवस्था किया जाना था, जो कि हम उस पैसे से खाना की व्यवस्था करवाए। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, शासन द्वारा 30-30 हज़ार की घोषणा हुई थी। हाँ, हुई थी, तो वो राशि आपके पास आई या नहीं आई है? नहीं, अभी तो राशि शासन से हमारे पंचायत के खाते में अभी ट्रांसफर होने को है और आई भी नहीं है। ओके, तो आप कोरोना के संबंध में खैरलान जी या आप खुद मोहाड़ के आप सरपंच हो, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? देखो, कोरोना एक भयानक बीमारी है और इसको कंट्रोल करने के लिए जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किए, लॉकडाउन का नियमों का पालन करना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि कोरोना एक ऐसी बीमारी जिससे जिस व्यक्ति को हो जाने से वो उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता और इसका इलाज भी नहीं है, इसलिए अपने आप पे कंट्रोल करना, अपने अपने घरों में रहना चाहिए, जिससे हम कोरोना पर कंट्रोल पा सकें। चलो, धन्यवाद। मोहाड़ में आए जो महाराष्ट्र और एमपी की जो सीमा है, यहाँ पे 14 मुसलमान लोगों को भी एडमिट किया गया है, आइसोलेशन में रखा गया है, उसके बाद बाकी के और भी लोग हैं, हिंदू लोग हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है सर? यार देखो, जो बाहर से आ रहे हैं अभी, ये वारंगल से आए हैं ट्रक में, करीब करीब 17 लोग हैं,
सो इनको क्वारंटाइन किया गया है। अभी हम देख रहे हैं कि कम से कम 3 दिन का क्वारंटाइन करेंगे और इनका चेकअप रेगुलर बेसिस पे हो रहा है और ये हेल्दी लोग हैं, 3 दिन बाद छोड़ देंगे। अगर इनको ऐसा लगता है जो हमारी डॉक्टर टीम है कि कोई थोड़ा सा बीमार है या किसी प्रकार की कोई समस्या है उसके साथ, तो उसको फिर आइसोलेट करेंगे। तो ये क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है कि जो भी बाहर से आ रहे हैं, नागपुर से आ रहे हैं, चाहे वो हैदराबाद से आ रहे हैं, चाहे वारंगल से आ रहा कोई भी, तो 3 दिन के लिए हम यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर बनाया, तो 3 दिन रहेंगे। इसके बाद फिर इनको जो भी इनका पंचायत होगा वहाँ तक हम यहाँ बस से छोड़ाएंगे। नहीं, अभी सूत्रों के हवाले से खबर है सर कि बहुत सारे लोग मतलब ये खाना भी नहीं खा रहे हैं यहाँ पे, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, खाना ना सब खा रहे हैं, बराबर खा रहे हैं। अब इनका ये कहना है कि खाना थोड़ा सा हमको बहुत अच्छा वाला दिया जाए, तो अब अच्छा खाना क्या है? नॉर्मल खाना हम लोग व्यवस्था करा रहे हैं, दाल चावल है, सब्जी चावल है, ये सब व्यवस्था करा रहे हैं। अब ये क्या ये बता रहे हैं कि हमारा घर जो है 80 लाख रुपया 90 लाख का घर में हम रहते हैं, तो हमारे को उस तरह की व्यवस्था चाहिए? जबकि क्वारंटाइन सेंटर है, नॉर्मल 3 दिनों के लिए हम रख रहे हैं लोगों को, यहाँ पानी पीने का पानी, खाना, जो हवा पंखा सब कुछ नॉर्मल जो चल रहा है वैसा। अब लोग चाह रहे हैं कि अब 80-90 लाख के घर में रहने वाले आदमी को ऐसी व्यवस्था, तो वो थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए। नहीं, अभी महाराष्ट्र से बहुत सारे लोग आ रहे थे सर, उनको भी क्वारंटाइन में रखेंगे क्या? बिल्कुल, सबको क्वारंटाइन में रखेंगे। अगर जो हेल्दी है उनकी जांच कराने के बाद वो पता चल रहा है कि ठीक है, तो उनको हम लोग 3 दिन में छोड़ देंगे। अगर कोई ऐसा लग रहा सस्पेक्ट टाइप का, थोड़ा परेशान बीमार टाइप का, उसको रखेंगे। और सर, जो खाने की व्यवस्था जो मतलब किसके द्वारा की जा रही है? यहाँ पंचायत के द्वारा की जा रही है, शासन स्तर पर की जा रही है। जहाँ अगर कुछ कम पड़ता है तो हम लोग व्यवस्था करा के दे रहे हैं फूड बैंक से। ओके, तो सर कोरोना के संबंध में लोगों को क्या संदेश देना चाहूँगे? कोरोना के संबंध में सबसे बड़ा संदेश यही है कि अपना जो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों के अंदर रहें, बाहर ना जाएं, बहुत ही अत्यंत जरूरी काम है, तभी निकले, सिंगल आदमी निकले, झुंड में ना जाएं, दूर दूर रहें, और इससे थोड़ा सा क्या है जो अभी संक्रमण काल चल रहा है तो बचें। नहीं, फिर भी बहुत सारा ऐसा एमपी में देखने जा मतलब मिल रहा है सर कि बहुत सारे लोग घर के बाहर निकलते, जो गाँव के लोग हैं अपने गली मोहल्ले में 5-6-10 लोगों के साथ में ऐसे निकल के घूमते फिरते हैं, फिर भी पुलिस प्रशासन उनके ऊपर ध्यान नहीं देता, ये मेरी नज़र के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, पुलिस प्रशासन 24 घंटे काम कर रहा है यार इसी चीज़ के लिए कि लोग अपने अपने घरों में रहें, 24 घंटे काम कर रहे हैं। आप 20 घंटे 19 घंटे कहोगे तो भी गलत है, 12-12 घंटे की 2 शिफ्ट चल रही है। साथ साथ जो प्रशासनिक अमला है, राजस्व अमला है, वो पूरे घंटे काम कर रहे हैं, 24 घंटे लगे हुए हैं, लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन लोग क्या है कि अभी इस चीज़ को बहुत हल्के में ले रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो शहर में सिटी में लोग रह रहे हैं तो उन्हीं को ये जो वायरल इन्फेक्शन, ये जो कोरोना हो रहा, तो ये फैल रहा है, गाँव में ऐसा नहीं होता है। जबकि ये इनका जो है भ्रम है वो हम लोग क्लियर कर रहे हैं, संदेश भी दे रहे हैं, टीवी मीडिया के माध्यम से भी इनको समझाया जा रहा है, लोग भी जाके समझा रहे हैं, धीरे धीरे चीज़ें कंट्रोल हो रही है। चलो ठीक है, थैंक यू सर। हम लोग वारंगल से। वारंगल कहाँ आता है? ये तेलंगाना। तेलंगाना मतलब हैदराबाद जी। ओके, क्या समस्या है आपकी? आप अभी मोवाड़ बॉर्डर पे रुके हुए हैं, आपको 2 दिन हुआ है जी। हाँ, हम लोग चौराही से भर के गए सरकारी ऑर्डर पे गेहूँ लेके वारंगल। वारंगल में पहुँचे हम, दूसरे दिन हमारी गाड़ी खाली हो गई, और उसके बाद हम जो वहाँ से दबे हैं तो नागपुर आके रेस्ट लिए, और नागपुर से सीधा हम अपने बालाघाट जा रहे थे, बालाघाट के रहने वाले हैं। कैसा है? ट्रक से। ट्रक कहाँ है आपका? बॉर्डर पे खड़ा है। परमिशन है आपको यहाँ आने की? जी जी। गाड़ी की परमिशन लगी हुई है क्या? किसने परमिशन दिया आपको? सेंट्रल गवर्नमेंट। बोर्ड लगा हुआ है आपकी गाड़ी के ऊपर? ओके, हाँ, अब आगे की जानकारी दीजिए। अब यहाँ पर साहब ने बोले कि भैया एक दिन आपको चेक करेगा, उसके बाद आपको छोड़ देगा। आज हमको तीसरा दिन है, ना हमको छोड़ा जा रहा है, ना कुछ हमारी सुनवाई, ना हमसे कोई बात करने के लिए खाली है। यहाँ परेशानी में क्योंकि हमारे बाल बच्चे भी हमारे घर में हैं, हमारी रास्ता देख रहे हैं। हमने बोला भी कि हमको 14 दिन हम अपने घर में रह जाएंगे अलग कमरे में, बाकी हमको घर जाने की परमिशन दे दी जाएगी। ओके, कोरोना क्या है आपको पता है? कोरोना हमारा टेस्ट किया गया। नहीं नहीं, मैं आपसे मुद्दे की बात पूछ रहा हूँ, कोरोना क्या है आपको पता है? संक्रमित बीमारी। आप हैदराबाद में अभी ज़्यादातर फैला हुआ है, ठीक है? तो उन लोगों ने आपको सिर्फ शक के आधार पर, संदिग्ध के आधार पर आपको यहाँ पे रखा गया है, तो आप उनके ऊपर इंजाम नहीं लगा सकते। अब रही बात तुमको समस्या क्या है, इसलिए मैं आपसे रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और आपसे मैं पूछ रहा हूँ आपको तकलीफ क्या हो रही है। और उन लोगों ने यह भी बोला है कि अगर ये लोगों को ऐसा कुछ पॉजिटिव नहीं मिलते, पॉजिटिव मीन्स 2-3 दिन अगर इनको ऐसे कुछ लक्षण नहीं मिलते तो इन लोगों को रिलीज किया जाएगा यहाँ से। तकलीफ ये है कि हमारे माँ बाप बूढ़े हैं। हाँ, और घर में मैं अकेला हूँ, माँ बाप को भी देखना है। आज मैं निकला था कि चलो, मैंने कहा अपना वारंगल से
ट्रिप मार के आ जाएंगे तो घर घर में हमारे माँ बाप भी अकेले हैं। और बाकी हाँ ये भी बोलो कि गवर्नमेंट को गुमराह करके हमारी गाड़ियों पर जबरदस्ती किसी ने शासन को प्रशासन को गुमराह किया गया कि इसमें 400 आदमी आ रहे हैं जबकि हमारी तीनों गाड़ियों में दो दो आदमी निकले कंडक्टर चिन्ना छः आदमी निकले सिर्फ तीन गाड़ियों में। अभी हमारी एसडीएम साहब से बात हुई, एसडीएम साहब का कहना ऐसा है कि वो सिर्फ 2 से 3 दिन आपको यहाँ पे सेफ में रखेंगे वो लोग। अगर आपको ऐसे कुछ कोरोना के लक्षण देखेंगे तो उसके बाद रिलीज़ नहीं किया जाएगा, लक्षण नहीं है तो आपको छोड़ दिया जाएगा, उनका कहना ऐसा। तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो, आप खाना भी नहीं खा रहे हो बोले, यहाँ पे हमने आपकी थाली को भी चेक किया है कि आपने खाना नहीं खाया है, ऐसा क्यों हो रहा है? हम परेशान हैं, हमारी बातें नहीं सुन रहा है, नहीं सुन रहा है। आप जाके देख लो, रात में कीड़े और पतंगे और मच्छर इतने परेशान हैं कि हम रात भर नहीं सो सकते। तो आपने किसको बताया कि हमको मच्छर काट रहे हैं क्या? क्या किसको बताया? अधिकारियों को बताया। तो आपकी सुनवाई नहीं हो रही, मच्छर काट रहे, आपको तकलीफ हो रही है? बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत न्यूज़ टीवी खबरों की पड़ताल।